मध्य प्रदेश के जनपद पंचायत सागर के सब इंजीनियर आशीष पस्कारिया को 25,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा गया। आपको बता दें कि इंजीनियर ने ग्राम पंचायत बाग खेजरा के सरपंच से घूस के पैसे की मांग की थी। मामले में लोकायुक्त सागर की टीम द्वारा यह कार्रवाई उपनगर मकरोनिया के एक पूल क्लब में की गई। बताया जा रहा है कि कार्रवाई में पकड़ा गया सब इंजीनियर सागर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम बाग खेजरा के सरपंच से ग्राम पंचायत के बिलों को पास करवाने की एवज में रुपयों की मांग की थी। शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सब इंजीनियर को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। इसमें शिकायत ये थी आवेदक की कि उन्होंने मतलब सरपंच ने एक पंचायत भवन का निर्माण कराया है जिसका मूल्यांकन और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दे करके उसके बाद इसके भुगतान की फाइल बढ़ानी थी। इसके एवज में इन्होंने पैसा मांगा था। आज ये पैसा लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। अभी मकरोनिया में कार्रवाई चल रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में उपचुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है। सुरक्षा बल अधिकारी और जिला कलेक्टर ने उपचुनाव को लेकर निर्देश जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ के 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है जिसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला निर्वाचन आयोग ने कमर कसनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी टोपेश्वर वर्मा और एसपी अभिषेक पल्लव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने का काम किया। आपको बता दें कि वर्तमान में 188,624 मतदाताओं के नाम सूची में शामिल है। इसके अलावा 20 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकते हैं। क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए 273 में से 28 बूथ को अनियंत्रित किया गया है। तो मैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और आज की स्थिति में जैसा कि 28 अगस्त से नामनेशन लेने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जो 4 सितम्बर अंतिम तिथि है और जितने भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होंगे 5 सितंबर को उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और 7 सितंबर को 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय रहेगा। उसके तत्काल बाद उनको प्रतीक चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा। और दंतेवाड़ा विधानसभा में 273 मतदान केंद्र हैं और आज की स्थिति में 188,624 मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है अपने विधानसभा में। और कल जैसे ही कार्यक्रम की घोषणा हुई संपूर्ण जिले में, और क्योंकि इस विधानसभा में 2 मतदान केंद्र नारायणपुर जिले का आता है, इसलिए नारायणपुर जिला में भी आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है और अन्य जितनी भी तैयारियां हैं लगभग हमने पूरी कर ली। कल जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, हमने अपनी सिक्योरिटी को टाइटन किया है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि माननीय विधायक हैं, पार्टी के विभिन्न पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनको रोड ओपनिंग पार्टी, एरिया डोमिनेशन और वेन्यू सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हिंसा हुई थी, इसीलिए इस बार हम लोग काफ़ी प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले रहे हैं। 5 जो DRG ग्रुप है उसको लगातार सिक्योरिटी के लिए लगाया जा रहा है। आपूर्ता तंत्र को मजबूत करते हुए डेली पटाखाजी की जा रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपूर्ता तंत्र को मजबूत किया गया है, ड्रोन से जो है टेक्निकल सर्वेलेंस की जा रही है और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव को कराने सक्षम कराने में पूरी तरह से सक्षम है। 28 पंजाब के होशियारपुर गांव जय जय दुआबा के प्राचीन बाबा अवगढ़ श्री फतेहनाथ मंदिर देश का पहला मंदिर है जहां रोजाना आरती के बाद राष्ट्रगान होता है। कमेटी की ओर से समूह संगतों के सहयोग से वार्षिक भंडारा करवाया गया और ट्रस्ट की ओर से मुफ्त मेडिकल और रक्तदान कैंप लगाया गया। इस दौरान 509 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। जांच के बाद मुफ्त में दवाइयां भी बांटी गयी। आज होशियारपुर जिले के ऐतिहासिक पिंड विच खड़े हैं जिसका नाम जीजो दुआबा, पंजाब का लास्ट पिंड है, नाल ही हिमाचल शुरू हो जाता है। इस पिंड नाल बहुत इतिहास जुड़िया हुआ है। यह पिंड इस वेले मिनी लाहौर किया जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नाल। इस पिंड में बहुत बिजनेस, लेकिन समय का ऐसा चक्कर बनिया कि पिंड उजड़ गया और अज का दिन जो है वो सारे लोग जो इस पिंड रेंगे थे उन्होंने स्नेह दिते जाते हैं, वो अपने परिवार से हैं ताकि बाबा अवगढ़ जी के मत्था टेकते हैं, अपनी मनोकामना जो पूरी होंगी है वो अपने प्रसाद वगैरह जो भी इच्छा है पूरी करते हैं। दूसरा जिसे अस खड़े हैं, गीता मंदिर है,
इस मंदिर दे विच पिछले साल भी मेडिकल कैंप लगा सी, अज भी बाबा ओपर सोसाइटी वालों एक मेडिकल कैंप जिहड़ा है लगाया जा रहा। भाई कन्हैया चैरिटेबल हॉस्पिटल उन्हां दी टीम साडे एक हार्ट स्पेशलिस्ट पाठन जी भी आए ने, हड्डियां दे डॉक्टर आए ने, अखां दे डेंटल जनरल मेडिसन, लेडीज दी प्रॉब्लम, ECG, बाकी टेस्ट, फ्री मेडिसन सारा कुछ उत्थे कीता जा रहा। कोरिया के चिरमिरी नगर निगम के वार्ड क्रमांक 39 में विशाल काय पीपल का पेड़ गिर जाने से वार्ड क्रमांक 39 के 3 दफाई में 5 घरों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं एक महिला कौशल्या देवी को किचन में काम करते हुए चोट आई है, जिसे इलाज के लिए क्षेत्रीय चिकित्सालय कुलासिया में ले जाया गया। हम आपको बता दें, कुछ दिनों पूर्व से चल रही तेज हवाओं के कारण विशाल काय पीपल के पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई थी, जिसकी जानकारी पत्र के माध्यम से शेखर पुलई एवं मोहल्ले वासियों द्वारा नगर निगम एवं वन विभाग को दिया गया था, लेकिन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। लिहाजा विशाल काय पीपल गिर कर कुछ मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, हालांकि किसी जान माल की क्षति नहीं हुई है। एक पीपल पेड़ था जिसका आवेदन मैंने निगम में भी दिया था, विधायक जी को भी दिया, वन विभाग को, और आज लगभग एक घंटा पहले वो गिर चुका है। कितने नुकसान हुआ है अब तक? नुकसान घर की दीवारें, बाथरूम, वॉशिंग मशीन जितने थी सारी चीजें नुकसान। आपने जो सूचना कब दिया था, कितने महीने पहले दिया था? निगम में 6वें महीने में दिया गया था, वन विभाग को पिछले एक महीने पहले 7वें महीने में दिया। उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? कार्रवाई नहीं, पूछा गया था कि कैसा है, आके टीम बना के देखेंगे बोला गया था, नहीं बोला गया था, आश्वासन दिए गए, उसके बाद कोई कार्रवाई। ये पीपल का पेड़ भीम दफाई में है 39 नंबर पे, इसका आवेदन हम लोग को पहले मिला था, मैंने इसका सर्वे भी किया और मैंने कहा था इनको SDM साहब और फॉरेस्ट के यहाँ से NOC ले लें, उनकी सहमति होगी उसके बाद ही हम लोग छू पाएंगे, क्योंकि पेड़ काटना निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए हमने SDM को और फॉरेस्ट को इनको सूचना देने के लिए कहा था और उनको सहमति लेके फिर इसको छटाई करने का प्रावधान था हमारे पास। क्या निगम जिम्मेदार नहीं होती? नहीं, निगम तब तक जिम्मेदार नहीं होता है जब तक गिर नहीं जाता है। जिले के भिंड विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजीव सिंह ने खुद से ढोत्रा मार्ग का गोपालपुरा स्टेट हाईवे किशोरपुरा पर ब्यौरा दिया और कहा, मेहगांव क्षेत्र में होने के बावजूद भी हमने मंजूर कराया है और जो ढोत्रा किशोरपुरा को भी इस रोड से जुड़ा है जो पहले नहीं जुड़े थे, विकास में हम किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देंगे। इस अवसर पर ब्लॉक उपाध्यक्ष PWD की KK शर्मा एवं भारी संख्या में क्षेत्रीय व ग्रामीण जन मौजूद रहे। हमारे विधानसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण रोड है जो पूरे लगभग 95% रोड हमारे विधानसभा में है, जो ढोंचरा को जोड़ती है और दूसरा इसका सिरा पवेड़ी पे निकलता है, तो उसका शिलान्यास 40 करोड़ से ज्यादा की ये रोड बनने वाली है, 28 किलोमीटर की ये रोड है, तो उसका आज भूमि पूजन का कार्यक्रम था जिससे कई करीब 25 से 30 गाँव इससे लाभान्वित होंगे। कई गाँव जो कच्चा रास्ता था उस गाँव में भी पक्की रोड और चौड़ी रोड बनेगी, तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। और ढोंचरा तक ये रोड नहीं थी, ये भिंड भाड़ी रोड तक इसको समाप्त कर दिया गया था, तो हमने प्रयास करके इस रोड को ढोंचरा तक ले जाने का काम किया है। ढोंचरा तक ये चौड़ी रोड जाएगी नीचे तक स्कूल तक, और इसके अलावा भी जो क्षेत्र में अन्य विकास के काम मंजूर हुए हैं उनके बारे में भी मैंने बताया है। एक मोहंड से मधुपुरा उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक 6.5 करोड़ की वो रोड बनेगी। छत्तीसगढ़ जगदलपुर के नयापारा में पत्रकार वार्ता कर मिस इंडिया 2019 में द्वितीय श्रेणी में अपना स्थान बनाने वाली बस्तर की आयशा लॉरेंस ने आज अपने इस सफर के बारे में चर्चा करते हुए बस्तर के लोगों द्वारा किए गए सपोर्ट के बारे में बताया कि किस तरह 11,000 लोगों को पीछे छोड़ते हुए इस मुकाम को हासिल किया। दरअसल आयशा लॉरेंस ने बताया कि मिस इंडिया कॉम्पिटिशन की शुरुआत 2018 से शुरू किया गया था, जिसमें 11,000 के लगभग प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कॉम्पिटिशन में अनेक प्रकार के टास्क मिले थे। पहले कंपटीशन में 11,000 में 550 को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया, फिर उसमें भी 120 को हटाया गया। टॉप में 30 लोगों के आने के बाद 15 लोगों को चुना गया और अंत में 6 प्रतिभागियों में दूसरे स्थान में रही। उन्होंने बताया कि कंपटीशन दिल्ली के द्वारका विवांता लॉज में हुआ था। इससे पहले भी 2014-15 में मिस छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर रही। इसके अलावा कथक में MA भी किया है, साथ ही 2 फिल्मों में काम करने के साथ ही 5 से 6 एल्बम में भी काम कर चुकी है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती में हो रही देरी को लेकर दंतेश्वरी कॉलेज से करीब सैकड़ों छात्राओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जिसमें उन्होंने इस मामले को लेकर बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मामले की जानकारी देते हुए जिला छात्रा प्रमुख काजल सांडिल ने बताया कि
महाविद्यालय में नियमानुसार 1 अगस्त तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती किया जाना था, परंतु आज तक भर्ती प्रक्रिया नहीं हुआ। शिक्षकों के अभाव के चलते परीक्षा परिणाम हमेशा से कमजोर रहा है। विद्यार्थी परिषद जनहित को ध्यान में रखते हुए मांग करती है कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की भर्ती किया जाए, ताकि महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो सके। मैं दंतेश्वरी विश्वविद्यालय महाविद्यालय से बोल रही हूँ। मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर है, लेकिन इस साल क्या टीचर है, हम लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी नहीं पता है, और ना यहाँ पे कैंटीन की सुविधा है, ना गर्ल्स कॉलेज है, तो ना यहाँ पे गार्ड्स हैं, हर चीज़ का सुविधा नहीं है, ना लाइब्रेरियन भी नहीं है यहाँ पे, ना लाइब्रेरी की सुविधा है। हम लोग सिर्फ हिंदी एक ही सब्जेक्ट पढ़ने आते हैं, और दिन भर हम लोग सब सारे गर्ल्स आते हैं कि क्लास लगेगा बोल के, लेकिन यहाँ पे एक भी क्लास नहीं लगता, सिर्फ हिंदी लगता, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं, और हम लोग को सिलेबस भी नहीं पता अभी तक कि हम लोग को बीएससी वाले का सिलेबस क्या है। तो बस यही चीज़ बोल। मध्य प्रदेश जयपुर जिले के बड़ौदा तहसील में एसटीएससी ओबीसी एकता मंच द्वारा रूपेश उपाध्याय एसडीएम और तहसीलदार शिवराज मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि बड़ौदा बस स्टैंड पर देसी शराब की दुकान संचालित है, इसे हटाया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि शराब की दुकान प्रताप स्कूल के बस स्टैंड पर संचालित है। स्कूल की छुट्टी होने पर यहां से छात्र छात्राएं निकलती हैं, जिन पर शराब के नशे में मदहोश लोग अभद्र टिप्पणियां किया करते हैं, लिहाजा स्कूल और बस स्टैंड आने और जाने में छात्राओं को काफी असुविधा व असुरक्षा महसूस होती है। बताया जा रहा है कि पहले ही संगठन फरवरी 2019 में ज्ञापन दे चुका है और मौखिक रूप से बार बार प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं, परंतु अभी तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उक्त ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को 7 दिन में कार्रवाई का समय दिया गया है। यदि देसी शराब की दुकान नहीं हटाया जाता तो संगठन सड़क पर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। देश के अंदर एक राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत हो, एकता का भाव जागृत हो, इसलिए यहाँ के समाजसेवी बंधुओं ने सोचा कि हमको एक तिरंगा यात्रा निकलना चाहिए, और यहाँ हमको आमंत्रण दिया कि आप आए तिरंगा यात्रा में। तो इस संदर्भ में ये तिरंगा यात्रा थी जन जागरण के निमित्त। राजस्थान धरियाबाद थाना अधीनस्थ 15 अगस्त की रात्रि को कुटा बाजार में कार के अंदर लगी टेप को कांच तोड़ते हुए चोरी करने के मामले में प्रार्थी लालचंद की रिपोर्ट पर गहनता से जांच करते हुए आरोपी देवीलाल एवं कपिल कुमार को सीसीटीवी फुटेज एवं विशेष मुखबिर के आधार पर लसागिया चौराया से मय बुलेरो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सीआई डूंगर सिंह चुड़ावत ने कहा कि आमजन अपने घर के बाहर आवश्यक रूप से सीसीटीवी कैमरा लगाएं, जिसे संदिग्ध एवं चोरों पर निगरानी रखते हुए वारदात पर अंकुश लगाया जा सके। उक्त मामला भी सीसीटीवी फुटेज एवं विशेष मुखबिर की जानकारी के माध्यम से पकड़ में आया है। वाहनों में कोई शीशे तोड़ करके उसमें से टेप व अन्य सामग्री की चोरी की गई थी, उसका उनमें जो अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उस समय मार्ग के कैमरे संभाले गए थे, फुटेज खंगाली गई थी, उनमें कोई एक छोटा सा सूत्र हमें मिला था जिसको बाद में डेवलप किया गया, और मुखबिरों की मदद से इस केस को खोलने में हमें सफलता हासिल हुई है। खुंता में 3 गाड़ियों में तोड़फोड़, एक खुंता के अंदर 1 गाड़ी और पारसोला के मुंगणा में 3 गाड़ियों को तोड़फोड़ कर इस प्रकार से 4 गाड़ियां टोटल जो है कांच तोड़े गए थे, और उसमें से टेप निकाले गए थे, 2 टेप निकाले। गुम हुई नाबालिग बालिका हेमनिधि साहू जो 1 वर्ष पहले परिवार की जानकारी के मुताबिक अपहरण हो चुकी थी, झूला पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उड़ीसा के रायघर जिले में एक युवक के साथ धर दबोचा। आपको बता दें, गुम हुई बालिका के कारण पुलिस को काफी मशक्कत और खरी खोटी सुननी पड़ रही थी, जिसके कारण पुलिस के लिए बालिका को खोज निकालना चुनौतीपूर्ण कार्य बताया जा रहा था। फिलहाल झूला विकास खंड झूला पुलिस की सराहना कर रही है, और थाना प्रभारी के वर्मा को बधाइयां दी जा रही है।